नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज के दौर में फील्ड कोई भी हो, करियर कोई भी हो, लेकिन अगर आपको उसमें आगे बढ़ना है तो आपकी पर्सनालिटी उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। लेकिन अगर हमारी पर्सनालिटी बेहतर नहीं है तो तेज दौड़ती भागती जिंदगी में हम कहीं पीछे भी छूट सकते हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी में हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना ही होगा। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपनी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग हम करें, वो टिप्स भी हम आपको जरूर देंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट पूर्णिमा खरे। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। पूर्णिमा जी, आपकी ये जो स्माइल है वो जरूर बता रही है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जब आपके अंदर बहुत तेजी से बढ़ता है, तब आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को लेते हैं, एक मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में आती है। क्या यही सच्चे मायने में ब्यूटी है? ज्योति जी, बहुत अच्छा आपने सुंदर क्वेश्चन किया। मैं जरूर इसका आंसर देना चाहती हूँ कि ये मुस्कुराहट आती कैसे है। बिल्कुल। एक्चुअली आज हम डिस्कस करेंगे, ब्यूटी मीन्स ब्यूटी एक जो सुंदरता है, एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं ज्योति जी। जी, बिकॉज मैं तो कहूंगी कि नो कंपनी नो कल्चर कुड एवर डिफाइन ब्यूटी। तो इसको एक डेफिनेशन देना या उसको छोटी लाइन्स में एक्सप्लेन करना, इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज जो अगर आप मुझसे कहेंगे ये स्माइल कैसे आई मेरे, तो मैं कहूंगी हाँ, ब्यूटी इज हैप्पीनेस। बिकॉज जब आप खुश होते हैं तो आपकी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, वो उसको फ्यूल मिलता है, गेट्स एनर्जाइज, और जो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होने लगती है और आपकी पर्सनालिटी को बहुत चार्मिंग बनाती है। आपकी आंखें सुंदरता से भर जाती हैं, आपका पूरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, एंड यू आर ट्रांसफॉर्म इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, एंड यू फील रियली वेरी मच अलाइव। आपको बहुत प्राउड होता है ऑन योरसेल्फ, एंड यू इट ऑल मेक्स यू फील वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर बातें आपने कही। और जब हम सुंदरता का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कि कोई भी महिला किसी भी उम्र में ये नहीं चाहेगी कि वो सुंदर ना दिखे, इसलिए सुंदर दिखने का प्रयास हर उम्र की लड़कियां महिलाएं करती हैं। चूंकि आप मिसेज इंडिया के रीजनल हेड हैं यहां पर, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो यंग एज की हैं और जो शादी भी हो चुकी है उसके बाद भी इस फील्ड से जुड़ना चाह रही हैं, आपको लगता है कि महिला की वास्तविक सुंदरता क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर आपकी सुंदर त्वचा है, गोरा रंग है, तो वही खूबसूरती है। लेकिन जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी तो आपने बताया कि आंतरिक सुंदरता भी है, बाहरी सुंदरता भी है, आपकी मानसिक सुंदरता भी है। तो इन तीनों चीजों को जब आप मिलाकर तैयार करते हैं तो फिर एक अंदाज जो होता है खूबसूरती का, वो बदल जाता है। इस बारे में जरूर बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहती हूँ, बिकॉज जो मिसेज इंडिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करती है द ब्यूटी इज इटर्नल, एंड अ वुमन इज इटर्नली ब्यूटिफुल। बिकॉज इफ यू हैव अ ब्यूटिफुल सोल, पॉजिटिव माइंड and desires to create the positive difference in your society, you are a beautiful person. So, Mrs. India bhi believe karti hai ki like there is nothing to do with your age, height, weight and color. Agar aap andar se beautiful hai, to wo beauty aapki personality se reflect hone lagti hai, and it started radiating from your personality as well as from your skin and turns you the most beautiful person. So, jo inner beauty hai, that counts. Because aapne suna hoga Jyoti ji, beautiful faces fade but the beautiful soul lasts forever. To Mrs. India ki bhi theme yahi hai, hamari woman hai, hum unko चांस देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, और जो उनका टैलेंट है, इनर ब्यूटी है, वो हम बाहर लेकर आते हैं। बिकॉज मिसेज इंडिया बिलीव्स दैट ईच वुमेन इज ब्यूटीफुल एंड ईच वुमेन इज टैलेंटेड। बिल्कुल। क्योंकि इस फील्ड में लगातार आप जुड़ी हुई हैं, जिम्मेदारी आप निभा रही हैं, एक तो खुद अपने आप को आपने इतना फिट रखा हुआ है, जो महिला दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रही है वो जरूर आपसे टिप्स लेना चाहेंगे। जब आप ट्रेनिंग देती हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं पूर्णिमा जी, उसमें हमने देखा कि छोटे छोटे जो क्लासेस होती हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें किस तरीके के डिजाइन आप लोग करते हैं, क्या आप लोग की रणनीति होती है, वो टिप्स जरूर यहाँ पर शेयर करें ताकि जो महिला हमारा कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें कुछ मोटिवेशन जरूर मिले। बिल्कुल, टिप्स मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, लाइक हमारे जो कंटेस्टेंट्स ऑडिशंस के बाद जो सेलेक्ट होते हैं, जो हमारी वुमेन है, जो मॉम्स हैं, उसके बाद हम लोग उसके शेड्यूल बनाते हैं एंड एक्सपर्ट्स बुलाते हैं उनको ग्रूम करने के लिए, उनको पॉजिटिविटी की ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि उनकी पॉजिटिविटी
सामने आए, उनका जो टैलेंट है उसको ग्रूम करते हैं एंड हम उनको बताते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द सोसाइटी. तो ये जो बेसिक चीजें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, इन सभी की ट्रेनिंग हम मिसेज इंडिया में देते हैं ताकि एक हमारी वुमेन जो है ट्रांसफॉर्म हो सके एक स्ट्रांग वुमेन में और एक रोल मॉडल में. बिकॉज जो रोल मॉडल होती हैं वो सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए होती हैं. तो हम मिसेज इंडिया से मॉडल्स नहीं बनाते हैं ज्योति जी, हम मिसेज इंडिया से रोल मॉडल्स बनाते हैं. और रोल मॉडल्स वही होते हैं जो इंटरनली ब्यूटिफुल होते हैं. बिल्कुल. ज्यादातर ये अभी तक धारणा रही है पूर्णिमा जी, अगर हम अपने समाज को देखते हैं तो शादी से पहले तक लड़कियां अपने आप को हर फील्ड में जो है वो साबित करना चाहती हैं. लेकिन जैसे ही जिंदगी में शादी का एक पड़ाव आता है उसके बाद फिर पति बच्चे घर जिम्मेदारी, उसके बीच में वो महिला जो होती है वो कहीं खो सी जाती है. उसकी पहचान या तो पति रह जाते हैं या एक उम्र के बाद में पुत्र रह जाते हैं. जैसा कि आपकी चर्चा के दौरान आपने बताया कि यहां पर एक महिला जो है जब वो खुद को पहचानती है, खुद के नाम से जानी जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता है. आपको लगता है कि महिलाओं में ये चीज होनी चाहिए जरूर? यस ज्योति जी, महिला उसको वीक मत समझिए. महिला जो है, जो वुमेन है, शी इज द मदर सोल ऑफ द फैमिली. मदर सोल जो है मींस जो महिला है वही एक क्रिएटर है. शी कैन क्रिएट एंड शी कैन मोल्ड हर क्रिएशन इनटू द फाइन ह्यूमन बीइंग. तो जो एक मदर है वो तो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है. हाँ, उसको हो सकता है रिसोर्सेज नहीं मिले हो, सपोर्ट ना मिला हो और वो थोड़ी सी दब के रह गई हो. तो इसी चीज को हमको आगे ले जाना है. इसीलिए हम मिसेज इंडिया कर रहे हैं ताकि हमारी मदर्स आए और वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो. बिकॉज एक जो स्ट्रांग वुमेन है वो जो स्ट्रांग वुमेन है वही एक स्ट्रांग क्रिएशन कर सकती है. लाइक अगर वुमेन वीक है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो एक स्ट्रांग क्रिएशन करेगी और अपने क्रिएशन को स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग में या गुड सिटीजन में चेंज कर पाएगी. तो वुमेन को फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी के लिए मैं अपील करती हूँ सारे हस्बैंड से, उनके बच्चों से, कि आप आगे आइए और अपनी वुमेन को जरूर सपोर्ट करिए. अब थोड़ा सा ज्योति जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वुमेन हमारी अब आगे आने लगी है बिकॉज हमारी वुमेन डिसेंटली एजुकेटेड होने लगी है. तो जो ये एजुकेशन है, बीइंग एजुकेटेड, मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूं, तो व्हाट आई बिलीव कि जो एजुकेशन है दैट इज द फंडामेंटल राइट. और हर वुमेन को एक डिसेंटली एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है. बिकॉज जो एजुकेशन है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योर पर्सनालिटी. उसमें आप कितने भी आगे इमारत को ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन वीक है बिल्कुल. तो बिल्कुल चूर चूर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. पूर्णिमा जी, आपकी बातों से तीन चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि महिला को सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में शिक्षित होना. अगर वो शिक्षित है तो बहुत सारी चीजों को वो खुद ब खुद जानती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दूसरा, उसका जब सेहत, जब हम स्ट्रांग होने की बात करते हैं, जब वो अपनी सेहत को लेकर स्ट्रांग होती है, अपने फिजिक को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, तो भी वो कॉन्फिडेंट हो जाती है. और तीसरी, जब हम बात करते हैं कि उसे समाज में क्या अधिकार मिला है, उसके जीवन का अपना क्या तरीका है, जब वो इन तीनों बातों को जानती है तो मुझे लगता है कि मिसेज इंडिया वास्तव में मिसेज इंडिया बन पाती है. बिल्कुल श्योर. बिकॉज मैं बताना चाहती हूँ जो सीक्रेट है हमारे स्ट्रांग बनने के लिए. आपने सही कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन. जो एजुकेशन है इट प्लेज अ वेरी प्राइम रोल. दिस इज एग्जैक्टली द फाउंडेशन एज आई सेड टू यू. सेकेंड थिंग है कि हम, दिस इज आवर बॉडी, और हम बॉडी में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इफ दे आर हैप्पी तो हम वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी से. वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैप्पी होंगे, जब हम उनको बैलेंस डाइट देंगे, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे, प्रॉपर इंटेक होगा तो हमारी किडनी, हमारा लिवर एंड हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम सब बहुत पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेंगे. और अगर आपके मन में है कि कुछ आप पॉजिटिव डीड करते हैं तो आपका माइंड, आपका ब्रेन पॉजिटिव रहेगा. तो सेकेंड थिंग ये है कि एजुकेशन के बाद कि आपको एक बैलेंस डाइट एंड आई वुड से जो मैं फॉलो करती हूँ लाइक दिस फिजिकल फिटनेस. आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज है और योगा है दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. एंड थर्ड है लाइक आप प्रेयर्स, बिकॉज आई बिलीव द प्रेयर्स इन्फ्यूजेस स्ट्रेंथ. जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा उसको बैलेंस कर सकते हैं. और बैलेंस करना ही चाहिए, बिकॉज क्या है, अगर आप पर्सनल लाइफ और
के पीछे भाग रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, तो इट इज ऑल हाफ डन. अगर आप बैलेंस करके कुछ अचीव करते हैं, दैट विल गिव यू अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, और उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आती है. Exactly. कुछ टिप्स आपसे मैं जरूर और भी शेयर करूंगी. फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में. टिप्स बता रही हैं ब्यूटी एक्सपर्ट पूर्णिमा खरे. हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है, लेकिन खूबसूरती के पीछे मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, तभी आपकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रूमिंग होती है. पूर्णिमा जी, जो टिप्स आप बता रही थी उसको मैं थोड़ा सा और डीप में जाना चाहूंगी, क्योंकि महिला की जो आदत होती है, जब घर परिवार में महिलाएं होती हैं तो खाने के लिए उनका अपना कुछ बैलेंस डाइट नहीं होता, वो इग्नोर करती हैं, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि फिर वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, खूबसूरती घटने लगती है. Exactly. तो सबसे पहले अपने जो डाइटिंग की जो हैबिट्स हैं उसको कैसे मैनेज करे कोई महिला, ये जरूर बताइए. ज्योति जी, आपने सही कहा कि अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. आप अपने आप को एक्सटर्नली तो मेंटेन करते हो, पार्लर चले जाते हो, आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन लेते हो, ज्वेलरीज पहन लेते हो, बट वॉट यू आर डूइंग फॉर योर इंटरनल ब्यूटी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू हैव टू डू. एक्चुअली क्या है, हमारे घर में अगर आपको लगता है आप ही ये चीजें क्रिएट करते हो कि लाइक हम खाना कम खाएंगे या हर हस्बैंड के बारे में बात खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने डिसिप्लिन में हो और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपकी फैमिली अपने आप कन्विंस होने लगती है. एक स्टेप आपको अहेड लेना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ की वॉट एवर यू आर डूइंग इज रियली वर्थ. जैसे ही हमारी फैमिली मेंबर्स इससे कन्विंस हो जाते हैं, दे स्टार्ट सपोर्टिंग यू. तो आपको अपनी दिनचर्या जो है, जो डेली रूटीन है, उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन, नॉट एग्जैक्टली डिसिप्लिन इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड, उसको थोड़ा सा रेगुलराइज करना पड़ेगा. थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो और आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है. आप बॉडी को एक्टिव रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं तो बिल्कुल एक्सरसाइज, जैसे कहा है मैंने कि पार्ट ऑफ द रूटीन होना चाहिए. मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सरसाइज इज माय पार्ट ऑफ रूटीन, उसके बिना मुझे मजा ही नहीं आता है. डेली हम मैं योगा करती हूँ 1 घंटे मॉर्निंग में, उसके बाद ही मेरा. अच्छा पूर्णिमा जी, महिलाओं की बड़ी ये शिकायत होती है कि हमारे पास भी वक्त नहीं होता है. सुबह के समय हमको हस्बैंड को टिफिन देना है, बच्चों को टिफिन देना है, फिर हमारे लिए टाइम कहाँ बचता है सुबह का, फिर दोपहर में आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते, शाम को वही रूटीन, तो कैसे टाइम मैनेज करें, क्योंकि वर्किंग भी हो गई है आजकल लेडीज, तो कौन सा वक्त बहुत ज्यादा सटीक होता है अपनी एक्सरसाइज के लिए या अपने टाइम के लिए, वो जरूर बताइए आप. और अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कुछ थोड़ा सा कर लें कि शरीर हमारा फिट रहे. या टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बोला ना कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में. इसीलिए आपका टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तभी आप कुछ आगे जीवन में बढ़ पाएंगे, और कुछ करने की अगर इच्छा रखते हैं तो कर पाएंगे. स्पेशली महिलाएं जो हु आर कमिंग अप विद द एक्सक्यूजेस कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये मीन्स मैं कहूंगी कि लाइक इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन और आपको मॉर्निंग में 7:30 स्कूल पहुंचना है, तो आप किसी भी तरह से काम मैनेज करके 7:30 पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? बिल्कुल पहुंचते हो. आप अपने जॉब वर्क प्लेस पे पहुंचते हो. तो इसी तरह अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हैं तो आप उस काम को सर्टनली बिल्कुल कर सकते हैं. और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 1 घंटा स्पेयर करिए, आपके पास जो भी आप एक टाइम डिसाइड करिए 15 मिनट 20 मिनट का, यू हैव टू गिव इट फॉर योर सेल्फ. तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप और पूर्णिमा जी उसके बाद जब रिजल्ट आने लगते हैं और कॉम्प्लीमेंट मिलने लगते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर कॉन्फिडेंस आपको जो मोटिवेशन मिलेंगे ना, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग द सेल्फ मोटिवेटेड और आपको लगेगा ये मैं पहले क्यों नहीं करा. बिल्कुल, यू शुड हैव स्टार्टेड लिटिल अर्लियर. कुछ ऐसे ही और भी टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे. यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में. सुंदरता को बनाए रखने के लिए आपको खुद को मेहनत बहुत कुछ करनी पड़ती है, इसी की टिप्स हम ले रहे हैं पूर्णिमा खरे से. पूर्णिमा जी, जब आपके पास में नेचुरल ब्यूटी है, मान लीजिए आप खूबसूरत भी हैं, फिट भी हैं, चलिए ठीक है शादी हो चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शादी के बाद, बच्चे के बाद भी क्या इस फील्ड में मौका है कि महिलाएं इसमें आगे जा सकती हैं, इसको एज अ करियर भी अपना सकती हैं? बिल्कुल, सर्टेनली बिल्कुल अपना सकती हैं, बिकॉज हमारा जो मिसेज इंडिया का प्लेटफॉर्म है दैट इज फॉर द मैरिड वुमेन. जो मैरिड वुमेन होती है, और मैंने तो क्लासिक एज में ये जीता है,
देयर आर टू कैटेगरीज, यंगर वुमेन की है और एक सीनियर वुमेन की है. तो आई वॉन्ट दिस टाइटल इन क्लासिक एज. जब मैं ऐसा कर सकती हूँ तो हमारी जो और महिलाएं हैं वो क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं. जरूरत सिर्फ एक डिटर्मिनेशन की है, एक पैशनेट बनने की है और आगे आने की है और इस डायरेक्शन में सोचने की है. और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो हम पूरे ईयर हमारी कंटेस्टेंट्स को, हमारी वुमेन को जो ग्रूमिंग देते हैं, वो ग्रूमिंग नहीं एग्जैक्टली ग्रूमिंग के साथ साथ दे स्टार्ट रीडिस्कवरिंग देमसेल्व्स. एक नई स्ट्रांग वुमेन विथ स्ट्रांग पर्सनालिटी, विथ स्ट्रांग इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जो ट्रांसफॉर्म होती है वो किसी भी फील्ड में जाएगी, शी विल सर्टेनली, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो एक्सेल करेगी. ये केवल ऐसा नहीं है कि आप ब्यूटी पेजेंट में ही आपके लिए ही हम आपको ग्रूम कर रहे हैं. आज की जो पर्सनालिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो हर फील्ड में जहां आप जाएंगी हमेशा यूजफुल है. इट विल बी यूजफुल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इन फ्यूचर. बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही पूर्णिमा जी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर महिला ये जो कॉन्टेस्टेंट है इसको जीते वो कॉन्टेस्ट को और उसके बाद में ही अपने आप को सफल माने. लेकिन ये जो सीखने की जो पूरी प्रक्रिया साल भर चलती है उसमें जो बदलाव आता होगा महिलाओं में, वो कैसे महसूस किया आपने? क्योंकि जब आपके पास में कोई महिला अप्रोच करती है और जिस दिन वो कॉम्पिटिशन से बाहर होती है या जीतती है, दोनों ही पहलू, लेकिन चेंजेस तो उसकी जिंदगी में काफी कुछ होते हैं, कैसा महसूस किया आपने उस समय? इट्स रियली अमेजिंग आई वुड से इन अ सिंगल वर्ड. मीन्स जो ये जो हमारा क्राउन हमारे हेड पे आता है, तो हम तो इसको टाइटल देते हैं कि इट्स अ मैजिकल क्राउन. इस मैजिकल क्राउन आप जब पहनते हैं तो आपकी पूरी पर्सनालिटी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाती है. आप यू स्टार्ट फीलिंग कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है. आप आज अपने नाम से आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है. महिलाएं, हमारी महिलाएं तो इतने अच्छे से हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट करती है मिसेज इंडिया को, कि लाइक पहले हम जाने जाते थे आई एम द वाइफ ऑफ मिस्टर जैन और वट एवर. लेकिन आज हम जाने जाते हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी से. हमारा खुद एक रिकॉग्निशन है, एक बैनर है. जहां हम जाते हैं वहां द पीपल स्टार्ट ऑनरिंग अस. तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑनर है आपको, जो मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए. बिल्कुल, और ये मोटिवेशन फिर देखिए आपके अपने परिवार में भी काम आता है. अपने बच्चों के साथ भी आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली डील करती हैं. सबका नजरिया बदल जाता है ज्योति जी आपके लिए. बिल्कुल, क्योंकि आपके पास एक बैनर है, सब आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं. आप एक आपको फॉलो करने लगते हैं, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं और आपकी जो हर एक्टिविटी है जो पॉजिटिव है दे स्टार्ट कॉपिंग देम. बिल्कुल, तो मुझे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भर रही है आपकी बातें पूर्णिमा जी. बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपने देखा कि ब्यूटी टिप्स ही आपको काम नहीं करते. जब आप अपने शरीर को थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालते हैं, जब पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है तो वो पूरे आपकी पर्सनालिटी को बदल देती है. और यही थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना है. फिलहाल मुझे दे इजाजत, आप बने रहे आईबीसी 24 के साथ. नमस्कार.